गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द सिटी बॉयज। ईशान मिर्जा आ चुका है एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ, मुंबई में डे टू। तो चलो बताता हूँ कल मैंने क्या क्या करा। यार कल मैंने ज़्यादा घूमा फिरा नहीं, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, घर आकर सो गया रात को, फिर सुबह अब उठाऊँ सोकर 12:30 बजे। तो चलो मैं बताता हूँ मेरा कितना बजट था, कहाँ रुका हूँ, कैसे कैसे हुआ, क्या करना है आगे। तो मेरा होटल का बजट था, मेरा टोटल बजट था मुंबई आने का 50,000 का, ठीक है। 50,000 के बजट में मेरा मैंने होटल बुक करी अंधेरी ईस्ट में, इससे सस्ती होटल मेरे को कोई और नहीं मिली। ये होटल के हिसाब से कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़ा कमरा है, एक वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, एसी बेड है, एसी है, बेड है, सब कुछ है, बहुत मज़ेदार कमरा है अपना, ठीक है। अंधेरी ईस्ट में मैंने कमरा लिया था, 2,000 रुपये पर डे का मेरा रेंट पड़ा। 2 से 9 तारीख तक मैं यहाँ पे रुकने वाला था, इससे अच्छी होटल और कोई नहीं मिल रही थी मुझे। मैं होटल के लिंक तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम्हें ये होटल बुक करनी होगी तो ज़रूर उससे जाकर बुक कर लेना। बहुत फ्रेंडली होटल है, कपल फ्रेंडली होटल है, फैमिली फ्रेंडली होटल है, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा टोटल बजट जो था वो था 50,000 का, उसमें फ़्लाइट का टिकट, आना जाना, होटल का रुकना और मेरा घूमना फिरना। तो 16,000 रुपये तो मेरा यहाँ होटल का हो गया था। उसके बाद मैंने एक महीने पहले ही फ़्लाइट के टिकट्स बुक कर लिए थे, तो आना जाना मान लो 9,000 रुपये हो गया। उसके बाद यहाँ पे घूमना फिरना खाना पीना, तो आज का मेरा उसके बाद अपना प्लान है कि अभी मैं हुक्का लेने जा रहा हूँ, हुक्का यहाँ पे बैठ के पियेंगे। अभी बहुत ज़्यादा यार यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो इतनी जल्दी तो अभी कहीं निकल नहीं सकते, ये वर्द भी नहीं है, इतनी जल्दी कोई होगा भी नहीं, मज़ा भी नहीं आएगा। तो अभी अपना आराम से रूम में बैठ के हुक्का पियेंगे दोस्तों के साथ, उसके बाद अपन जाएंगे। आने वाला है वीडियो में, एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना यार। तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, जाओ जाकर सब्सक्राइब की बटन दबाओ, बेल आइकन ऑन करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। चलो मिलते हैं हुक्के की दुकान पे। तो चलो जा रहा था हुक्का लेने, ये देखो अपन ने सस्ता जुगाड़ करा है, ये लगता है ना इसके अंदर तब रूम ऑन होता है, अपन ने इसमें डायरेक्ट चाबी डाल के ऑन कर लिया। एसी चल रही है यार, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बिना एसी के रहा नहीं जाता, तो इसको जुगाड़ कर दिया है। लाइट वाइट ऑन रहेगी, होटल वालों को पता भी नहीं चलेगा, फुल अपन वो कर रहे हैं फुल। चलो फुल रूम लॉक कर देता हूँ। चलो देखा, फुल जुगाड़ करा है अपन ने। चलो मिलता हूँ तुम्हें हफ्ते के शॉप पे, रास्ता दिखाता हूँ, फिर मालिक कार्ड दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मिलता हूँ तुम सबसे। ये देखो ये है अपनी होटल, ठीक है, ये अपनी होटल है। चलो ऊबर बुक करा है यार, बहुत महंगी है यहाँ पे ऊबर ओला तो सच में बहुत ज़्यादा महंगी है। अब देखता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं अपन, क्या नाम है उसका, शीशा हब। नहीं नहीं शीशा हब तो शॉप की दुकान है ना, क्या नाम है जगह का जहाँ जा रहे हैं। जा रहा हूँ हुक्के की दुकान पे, हुक्का हुक्का लूँगा, उसके बाद बताता हूँ, दिखाता हूँ हुक्के की शॉप यहाँ पे कैसी है, कितने का हुक्का पड़ता है अपन को, ठीक है। अंधेरी ईस्ट में ही है हुक्के की दुकान, तो हुक्के की दुकान पे जाके मिलता हूँ, देखता हूँ कौन सा हुक्का खरीदता हूँ, कितने रुपए का है, क्या है, ठीक है। पहुँच गया हूँ हुक्का लेने के लिए, लेकिन दुकान ही नहीं मिल रही है। लोकेशन पे तो आ गया था, पता नहीं कहाँ है दुकान, देखो ना लोकेशन डालो, रुको दुकान ढूंढ के मिलता हूँ, देखता हूँ कहाँ है। भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, कुछ खाने का देख रहा हूँ यार, कुछ अच्छा खाने का नहीं मिल रहा है, कुछ खाने का देखता हूँ, फिर दुकान देखता हूँ, फिर रुको कॉल, फिर आता हूँ वापस, ठीक है। मिल गई दुकान, 3 TV देना, बताता हूँ क्या क्या ले आए, फिर बताता हूँ कितने रुपए का हुआ, एक दाम बताओ, ले रुक ले के जाऊँ। ये देखो ये भैया, ये वाला हुक्का ले रहा हूँ, ये वाला, अब दाम बता दो इस कितने रुपए थे। देखो वो अब वो वाला तो मैं 600 रुपए का लेके जाती हूँ, हाँ ये तो मैं दिला दूँगा, हाँ यही, ठीक है। एक इसका दाम बता दो और ये सारी चीज़ें का दाम बता दो, पैक ये 1200 रुपये लास्ट कितने रुपए का लगेगा, ये 1200 से कम लगेगा, 1000 रुपए का ये दे दो। अरे देखो ना, मेरे को नहीं आता है, 10 बार ले जा चुका हूँ तुम्हारे यहाँ से भी ले गया हूँ, अरे सब हो जाएगा यार। लाओ ये 3 ये पैक करो और एक वो करो, अरे फिर नहीं यार 1200 रुपये थोड़ी फिर वही बात कर दो, हो जाएगा सब, हो जाएगा भी सच्ची में, ये चिकू का ओरिजिनल होता है, अरे पता है यार सब हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा।
पूरे 1000 रुपए ले लेना ये तो। ये फ्लेवर कितने रुपए का है? 141 अल्फा का 20 रुपए। ये 120 का ले जा। अगर 120 में आपने मेरे को दिला दिया ना तो मैं उसका फ्री में दे दूंगा आपको। चलो आप दिला दो अल्फा कर का 140 रुपए का। 140 अगर मैं दिला दिया मैं ले गया हूं 120 में तुम्हारी कसम। मेरी बात सुनिए 130 में भी आपने दिला दिया क्लियर फ्लेम मत। मुंबई में मैं हुक्का आपको फ्री में दूंगा। एक हुक्का लिया ये वाला, चार ये फ्लेवर ले लिए ठीक है, तीन कीवी एक एप्पल मिंट क्वीन और ये दो ये ले लिया, लाइटर अपना चाहिए हो गया, एक ये वाली पेन ले ली इनके पास सिंगल पेन नहीं है, और एक ये ले लिया फॉइल पेपर। मैं बताता हूँ कितने रुपए का हुआ, पैसे बताओ। आ गया हूँ तुमको जो प्यार सजना, आया हूँ अलबे खाने, ऑर्डर करा है। क्या ऑर्डर करा था? हॉट विंग्स, चिकन बर्गर, नहीं हाँ फिश बर्गर, और क्या ऑर्डर किया था? और एक वेज बर्गर। भैया एसी चला दो बस, ये तीन चीज़ ऑर्डर करिए। ऑर्डर आता हूँ, देखता हूँ यहाँ का खाना कैसा है अलबेक का, फिर मिलता हूँ तुमसे खा पी के थोड़ा। खाना वाना खा लिया है। खाना यार ज़्यादा मज़ेदार नहीं था, अलबेक खाने आया था मज़ा नहीं आया एकदम। अब जा रहे हैं वापस होटल, हुक्का हुक्का ले लिया है, सब कुछ हो गया है। अब शाम का प्लान सोच रहा हूँ कि घूमने कल जाऊँ, आज शाम को 7 बजे बारबेक्यू नेशन जाना है तो डायरेक्ट वहीं चला जाऊँ। थक गया हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, और एक तो यहाँ का जाम यार बहुत ज़्यादा जाम लगता है। अब देखता हूँ क्या होता है, अगर कहीं मन हुआ तो चला जाऊँगा, गर्मी वैसे बहुत है। अरे आगे नहीं ना, कहाँ जाएगा तू? फिर नहीं तो देखता हूँ क्या होता है, नहीं तो डायरेक्ट बारबेक्यू नेशन खाने चला जाऊँगा, यहाँ तो मज़ा नहीं आया खा के। चलो होटल जाके मिलता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। चलो आ गया हूँ मैं अपने घर पे कैमरामैन झाटू के साथ, हुक्के की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रही मेरी पाइप, रुके रहो, ये रहा मेरा माया का हुक्का। होटल में बनेगा आज हुक्का, कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? ये आ गया अपना हुक्का। यार मैं हुक्के में कुछ अलग सा करना चाह रहा था, मैं रेडबुल लेकर आया था, लेकिन रेडबुल अपन पी गए, हुक्के में डाल देते पानी की जगह। चिलम दिए उस बेटी छोद ने। बहन छोद कितना लौड़ा इंसान है, बहन छोद चिलम देना भूल गया। कैसे बनाएंगे हुक्का? अब यार कितना चूतिया है बहन का, लंड लंड ले लो वीडियो, चिलम ही लेना नहीं, चलने दो, बंद तो नहीं कर दी दबा के चलो यहाँ से। भैया देखो दिखा देता हूँ अब तो क्या लंड बचा है। ये कीवी फ्लेवर लेकर आया था, हुक्का लेकर आया था लंड जैसा, ये कांटेदार ये लेकर आया था चिमटा, ये जिससे ऐसे करके फॉइल में डालते हैं, ये फॉइल पेपर। चूतिया लोगों, एक तो कसम से मुंबई मत आना बहन की चूत, मैंने आके गलती करी, 10 मिनट के रास्ते में ना 1 घंटा जाम में फंसे रहोगे, लंड नहीं मिलेगा यहाँ कुछ। देखा कॉल करके गांड फाड़ दी, उसे बताओ हम यूपी वाले हैं। बहन चूत बोल रहा नहीं दूंगा, मैंने कैसे नहीं देगा, बम से उड़ा दूंगा दुकान अगर दिमाग की सनक गई तो। फिर डर गया, अभी भिजवा रहा है चिलम, भिजवा रहा है, तुम्हारे भाई ने कॉल करा, धमकी दी, दो तीन थोड़ा सुनाया उनाया, भिजवा रहा चिलम। बहन चूत डर गया, कह रहा अरे भैया माफ़ कर दो, ऐसे हाथ वाथ जोड़ने, भैया 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 माफ़। मैंने अरे छोड़ रहा हूँ, मैंने कहा भूसड़ी के सलमान खान अपना जानकार है, गाँव फड़वा दूंगा 2 मिनट में, गाड़ी छड़वा दूंगा अगर दोबारा कहीं फुट पार्क पे दुकान दिख गई तो। डर गया, गाँव फट गई और क्या। आ रही है अभी चिलम, लेकिन है बहनचोद बहुत चूतिया लोग। बताओ 2000 रुपये का हुक्का और ये सब सामान लेकर आया, चिलम देना भूल गया बहनचोद, ये कोई बात होती है? मजाक चल रहा है यहाँ? वाह यार मुंबई वालों,
लौड़ा मैंने वो जो फोटो दिखाई थी ना हुक्के वाले के यहाँ, लौड़ा उसकी दुकान पे मैसेज अलग कर देना कि कितने चूतिया हो तुम्हारे यहाँ से कोई हुक्का लेकर जाएगा, बिना चिलम के भेज देते हो। वाह चुतकी, पूरे दिमाग खराब हो गया। अब एक तो बहन चुत जाम इतना लगता है, 25 मिनट बाद हुक्का भिजवाएगा, कह रहा है आ रहा हूँ मैं अभी। मैंने कहा ठीक है, ड्राइवर के साथ कार भिजवा रहा हूँ, उसी में बैठ के आ जियो। भिजवा रहा है अभी, अभी कार ड्राइवर को बोल दिया, गया है लेने। बहन चुत गांड फट गई, और क्या, सब छोड़ो। बहन चुत इतना महंगा शहर है, 1 लाख रुपए का तो फ्लैट खाली किराए पे मिल रहा। बहन चुत इतना जाम, कुत्तों की तरह यहाँ लोग भरे, कुत्तों की तरह, पता नहीं किस हिसाब के लोग हैं यहाँ। जाम ही जाम, दह पेल के जाम। लंड मत आना कभी, मैं तो कह रहा हूँ मुंबई कुछ घूमने लायक नहीं है यहाँ। एक लंड जो घूमने लायक हो, मिडिल क्लास भी नहीं रह सकता, गरीब भी नहीं रह सकता, अमीर बनो पहले, फिर आऊँ मुंबई भोसड़ी वालों तुम। मेरे से तो ना हो पाया, मैं तो दोबारा लंडन ही आऊँ, मेरा सारा सपना ख़त्म हो गया मुंबई आने का। सही में नहीं हूँ मैं बहुत, जब फ्लाइट से, सुनो मैं बताता हूँ, जब फ्लाइट से उतर रहा था तो मैंने नीचे मुंबई देखा, दे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखी, मेरा सपना आँखों में आ गया, वाह मैं यहाँ कुछ बन सकता हूँ। फिर जब फ्लाइट से नीचे उतरा ना और जाम देखा, फिर लौड़ा यहाँ कुछ बन सकता हूँ। 250 रुपये तो होटल, होटल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक का लग गया। बहन चोद बनने के लिए पहले 2-4 करोड़ रुपये लेकर आओ, फिर तो बन पाओगे आप यहाँ कुछ। तुम क्या देख रहे हो, चूती हो, तुम भी कुछ नहीं बन पाओगे मेरे से, मेरा तो छोड़ो, तुम लंड जो कुछ बन जाओ मुंबई में आके। लेकिन कोई बात नहीं, हुक्के वाले ने हुक्के की छिलम नहीं दी, तुम तो लाइक कर देना बहुत थोड़ी, सब्सक्राइब कर दिया करो झाटू हो जाहिलो। एक सब्सक्राइब की बटन होती है बगल में, उसको ऐसे दबाओ और बेल आइकन ऑन करो। इतने बड़े चूतिए लोगों, तुम बेल आइकन नहीं ऑन करते हो, मैंने अभी देखा है। ऐप पे दिखाना, फ़ोन दिखाओ, रुको बहुत थोड़ी के, रुको ये है फ़ोन मेरा, बहुत थोड़ी के कितने बचे, 85 में से 14 निकालो, कितने बचे, रुको 60, रुको 85 में से 14 निकालो, 61 61 लोगों, तुम लोगों की गांड में बाबा सीर हो गया था है। वो थोड़ी के सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, कितने चूतिया लोग हो। सुनो मेरी बात प्यार से, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन 71 लोगों, देखो तुम लोगों की गांड में अगर बाबा सीर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर हुआ है तो मत करना। जितनों ने सब्सक्राइब नहीं करा उन सब की गांड में बाबा सीर हुआ है, उन सबका ब्रेकअप हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ जिसकी शादी हुई हो वो तलाक ले ले, जिसकी गर्लफ्रेंड बनने वाली हो वो भी ना बने। बहन जो सब्सक्राइब कर देना, अब आज हैं 14, जब ये वाली वीडियो डालूँगा, परसों डालूँगा ना, है ना, कल तो थोड़ी डालूँगा, कल तो पुरानी वाली डालूँगा। सब्सक्राइब कर देना बस, कुल मिला के सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो फिर, कैमरामैन झाटू के साथ वापस आ गए हुक्का बनाने, ये अपना हुक्का आ गया है, चिलम लेकर आ गया है वो, ठीक है। तो अब हुक्का बनाना स्टार्ट करते हैं, पानी भर दिया है पॉट में अपन ने, और देखते हैं कैसा हुक्का बनता है। पहले बनाएंगे कीवी फ्लेवर।